आज का हमारा क्वेश्चन है, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% कितना होगा। तो देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि एक संख्या क्या है, हम मान लेंगे, माना संख्या x, मान लिया। अब देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि उस संख्या का 1/5 यदि 81 है, यानी अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, उस संख्या का एक 1/5 बराबर है 81। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों, 81। ये इस साइड भाग में है तो इस साइड आके गुना में हो जाएगा, तो x और 81 के 5 की गुना करेंगे तो हमारे पास बनेगा 405। ये हमारी x की वैल्यू निकली है दोस्तों। हमें x संख्या ज्ञात नहीं करनी है, हमें निकालना है उस संख्या का, यानी x का 68%। तो देखो दोस्तों, x का 68% निकालेंगे, x का के लिए हम गुना लेते हैं, 68% ये निकालना है हमें। तो देखो, x की वैल्यू हमारे पास है 405, 68% के लिए नीचे 100 लगाएंगे। आगे देखो दोस्तों, अब हम इसे कट करते हैं, तो देखो 5 8 40 और 5 1 5, ये भी कट हो रहा है, 5 2 नहीं 10 और 0 एज इट इज। तो देखो दोस्तों, ये हमारे पास बचा 81 गुना 68 भाग में 20, ये भी कट हो रहा है तो हमें भी इसे कट कर देंगे, 2 3 6 2 4 8 2 1 2 और 0 एज इट इज। तो ये आगे भी कट हो रहा है, 2 5 10 और 2 1 2 2 7 14, तो हमारे पास बचा दोस्तों 81 गुना 17 भाग में 5। तो 81 और 17 की गुना करेंगे तो हमारा बनेगा दोस्तों 13 77 और भाग में 5। अब हम इसे कट करते हैं, देखो 5 1 5 5 2 10, 3 5 7 35, 2 5 5 25, फिर से 2 5 तो पॉइंट लगाकर 0 उतारेंगे तो 5 4 20, तो हमारा आंसर बनता है 27.4, यही हमारा आंसर है।